हो सकता है आप ये मेरा वीडियो अभी स्मार्टफोन पर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन से जल्दी ही कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गायब हो जाएंगे। तो कौन से हैं वो फीचर्स जो आपके स्मार्टफोन से गायब हो जाएंगे, जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि स्मार्टफोन के फीचर्स तेजी से बदल रहे हैं। लगभग रोजाना कोई ना कोई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और वो भी शानदार फीचर्स के साथ। पहले के मुकाबले अब ऐसे कई फीचर्स हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इसी तरह आने वाले समय में माना जा रहा है कि कई फीचर्स स्मार्टफोन में पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल मोबाइल चार्जर की बात करते हैं। दोस्तों चार्जिंग केबल वाले चार्जर काफी समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ ही कंपनियों ने वायरलेस चार्जर भी उतारे हैं। अगर टेक्नोलॉजी इसी तरह बढ़ती रही तो फिर आने वाले समय में पारंपरिक मोबाइल चार्जर पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खत्म हो सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट्स। दोस्तों पिछले कुछ समय में स्मार्टफोन की स्टोरेज में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। पहले के समय में जहां 32 GB की मेमोरी कुछ कुछ फोन्स में होती थी, अब कंपनियां मिड रेंज स्मार्टफोन में भी 256 GB की स्टोरेज दे रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में कंपनियां माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट्स को खत्म कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो स्मार्टफोन में फीचर्स खत्म हो सकता है वो है सिम कार्ड स्लॉट्स। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एप्पल ने आईफोन्स लॉन्च किए हैं और इन आईफोन्स के साथ ई सिम टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ऐसे में आने वाले समय में संभव है कि ई सिम वाले फीचर में एंड्रॉइड कंपनियां भी शामिल हो जाएं और सिम कार्ड स्लॉट्स को खत्म कर दें। हालांकि इंडिया में अभी रिलायंस जियो और एयरटेल कंपनियां ही ई सिम बनाती हैं। चलिए बात करते हैं हेडफोन जैक की। दोस्तों ज्यादातर कंपनियां अपने फोन में काफी समय से 3.5 mm जैक वाले हेडफोन का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं बदलते समय के अनुसार महंगे फोन में 3.5 mm जैक का इस्तेमाल कम हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनियां हेडफोन जैक को बंद कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके स्मार्टफोन से फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर खत्म हो सकता है। जी हां दोस्तों, बिलीव करिए, माना जा रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जल्द ही स्मार्टफोन से गायब हो जाएगा। एप्पल ने अपने नए आईफोन XS, XS Max और XR में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिए हैं और फेस आईडी दी है। इसके अलावा अगर बात करें एंड्रॉइड में तो वीवो ओप्पो जैसी कंपनियां इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने लगी हैं। ऐसे में जल्द ही फिंगरप्रिंट स्कैनर पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले मिले। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।